एक बार फिर से पांच साल में सरकार बदलने का ट्रेंड जारी रहा है। 16वीं विधानसभा के चुनावों में भाजपा ने बहुमत हासिल किया है। भारतीय जनता पार्टी को 115 और कांग्रेस को मात्र 69 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं 15 सीटों पर अन्य उम्मीदवारों को जीत मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है और पहली बार चुनाव लड़ रही भारत आदिवासी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। हनुमान बेनीवाल की बात करें तो उन्हें छोड़कर आरएलपी पार्टी से कोई भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक ही जीते, तो वहीं आम आदमी पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस चुनाव में कोई छाप नहीं छोड़ सके। दोनों एक भी सीट नहीं जीत पाए। इनके अलावा ओवैसी के एआईएमआईएम का खाता नहीं खुला। कुल मिलाकर के देखा जाए तो चुनावों में कई चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, परसादीलाल मीणा, प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कांग्रेस के 25 में से 17 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि शांति धारीवाल को जरूर इस चुनाव में जीत मिली, तो दूसरी ओर बीजेपी से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया भी चुनाव हार गए। ये पहली बार है कि विधानसभा अध्यक्ष समेत नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष चुनाव में हार मिली। इनके अलावा एमपी और छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत से भाजपा में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां से लोगों की उम्मीद खत्म होती है वहां पर मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। इन चुनावों में जातियों को बांटने का काम हुआ, लेकिन मैं शुरू से कह रहा था कि मेरे लिए देश से 4 जातियां हैं जिसमें नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हमारे गरीब परिवार है। ऐश्वर्य हमारे साथ बने हुए। ऐश्वर्य, पूरा का पूरा जो एक क्राइटेरिया बनाया गया था और 3 राज्यों में प्रचंड जीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वर्सेस यहां तो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और सरकार की गारंटियां थी एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का जादू जमकर चला और ऐसा चला कि 25 में से 17 मंत्री सरकार के जो समय थे वो अब हार चुके हैं। लेकिन अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सीएम के नाम पर सभी की नजर है। कांग्रेस 69 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी और भारतीय जनता पार्टी 115 अपने खाते में लेकर आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बावजूद इसके कि हालांकि कांग्रेस में देखिए मतभेद और मनभेद, ये दोनों ही स्थितियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में थी, लेकिन ये हम कह सकते हैं नतीजों के आधार पर सीख ली कि कांग्रेस पार्टी अपने मतभेद और मनभेद कहीं ना कहीं जो अंदरूनी गुटबाजी है उसे उस कदर बैलेंस नहीं कर पाई, उस वे में बैलेंस नहीं कर पाई जिस तरह से, जिस ढंग के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गुटबाजी दोनों ओर थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर ढंग से उस गुटबाजी को बैलेंस किया और 3 दशकों से राजस्थान में जो रिवाज चलता आ रहा था जिसको लेकर के दावे किए जा रहे थे कि रिवाज बदलेगा और राज बदलेगा, लेकिन राज बदला है रिवाज नहीं। राजस्थान में राजस्थान का जो ट्रेंड है वो चल रहा है, लेकिन खास बात यह है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन तीनों के ही एग्जिट पोल्स के दावे कहीं ना कहीं धराशायी होते हुए नजर आए और एक बार भी उस आंकड़े के नजदीक कांग्रेस पार्टी खासतौर पर राजस्थान में नहीं पहुंची जिस तरह के दावे एग्जिट पोल्स में किए जा रहे थे। हालांकि इस बार वोट प्रतिशत बढ़ना और कई सारे फैक्टर जो राजनीतिक जानकार है वो बताते हैं कि जब जब पिछली बार की तुलना में वोट प्रतिशत बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। ये सारी एनालिसिस की बातें हैं। एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हार स्वीकार की, उन्होंने इस्तीफा भी अपना दिया और अब निवर्तमान मुख्यमंत्री वो कहलाएंगे जब तक नई सरकार के मुख्यमंत्री का चेहरा और उनके बाद में शपथ ग्रहण नहीं हो जाता। कामकाज जो विधायक है वो संभालेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 115 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत यही बताता है कि कांग्रेस को अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे बिंदु हैं आंतरिक तौर पर जिन पर काम करने की जरूरत है। अन्य के खातों की अगर बात करें तो 15 सीटें रही पहले जानकारी सामने आ रही थी और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट भी जो बागी है, जो निर्दलीय है, जो दूसरी दल है वो नजर आ रहे थे कि सरकार की चाबी कहीं ना कहीं इस बार निर्दलियों के हाथों में और खासतौर पर जो दूसरी पार्टी से आते हैं जीते हुए प्रत्याशियों के हाथों में तो नहीं चली जाएगी, कहीं उन पे तो डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। लेकिन बहुमत के साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, रिवाज कायम रहा, कमल खिल चुका है, भाजपा को 115 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। अब जो अगला पड़ाव है वो मुख्यमंत्री के चेहरे का होगा, क्योंकि अब तक यही सुन रहे थे, यही सुनने को मिला और यही उन्होंने कहा कि चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जिस तरह से हर राज्य में लड़ा जाता है और प्रचंड जीत मिलती है, जीत हुई थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि बहुत से चेहरों के बीच में से कौन सा ऐसा चेहरा है जिसके सर पर जीत का ताज सजता है। हमारे साथ में इसी खबर पर डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, सरताज कौन होगा इस कुर्सी का, सबसे बड़ा सवाल यही, क्योंकि 115 सीटों के साथ में अब सारी संभावनाएं जो निर्दलीय दूसरे पार्टी के लोग जता रहे थे एक दिन पहले वो खत्म हो चुकी है कि चाबी सत्ता की उनके पास में हो सकती है, लेकिन स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ गई है, रिवाज कायम रहा। अदिति, बिल्कुल देखिए,
आज गतिविधियां तेज है दिल्ली में। हालांकि ये आपको पता है कि क्योंकि आंकड़े इतने जबरदस्त हैं कि कोई जैसे समीकरणों को बिठाना ये तमाम चीजों की स्थिति नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताएं, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण देने भाजपा कार्यालय आए थे कार्यकर्ताओं को संबोधित करने, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह आपस में 55 मिनट उनकी बैठक हुई थी। और ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप की ये बैठक होना, उसमें ये माना जा रहा है कि चर्चा की गई है राजस्थान में ऑब्जर्वर बन के कौन जाएंगे, और यहाँ तक कि मन में तो ये भी तय है कि मुख्यमंत्री तीनों ही राज्य के किसको बनाया जाएगा। ऐसे में अब आज ऑब्जर्वर, आज दोपहर बाद ऑब्जर्वर के नाम घोषित कर दिए जाएंगे और फिर ऑब्जर्वर कल या परसों ऑब्जर्वर विधायक दल की बैठक करने जयपुर पहुंचेंगे, और उसके बाद विधायक दल की बैठक के बाद ये तय कर लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। अदित, लेकिन इसके बीच अब आज क्योंकि चुनाव कल संपन्न हुए, रिजल्ट के बाद भी सभी अब मेल मुलाकातों का दौर जारी रहेगा, दिल्ली की गतिविधियों का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अब इस पर निर्देश जो है आलाकमान की ओर से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिम्मेदारियों ने दी जाएगी, क्या लगता है कि आज और कल ये दो दिन काफी महत्वपूर्ण रहेंगे लेकिन पर्यवेक्षकों के लिहाज से, क्योंकि वो पहुंचेंगे राजस्थान में, एक बार के लिए स्थितियां देखेंगे, समीकरणों को सुनेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं जैसा कह रही हूँ, कल रात को बड़े लीडर्स बैठक करेंगे और वो तय कर लिया होगा कि पर्यवेक्षक कब भेजे। आज शाम तक पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। गतिविधि तो राजस्थान की तेज है क्योंकि पार्लियामेंट यहाँ पर चल रही है, ओवरऑल तमाम सांसद सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जीत की खुशी है इसलिए भी दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन अब आज दोपहर अरुण सिंह जी वापस लौट आएंगे, तो ऐसे में आज दोपहर बाद पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी और उसके बाद फिर वो कल या परसों में पर्यवेक्षक जयपुर पहुंचेंगे, तब विधायकों को बुलाया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।